सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू चाट की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आलू चाट कई प्रकार से तैयार की जाती है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाली आलू चाट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। ये मैंने छोटे वाले आलू चार बॉईल करके ले लिए हैं। इमली का टुकड़ा लिया था, इसको 5 मिनट पहले भिगोकर रख दिया है। थोड़ी सी कटी हरी धनिया पत्ती ले ली है, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, आप व्हाइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून देगी मिर्च जो हमें रंग देगी पर तीखा पर नहीं। हमने इंग्रेडिएंट्स चेक कर लिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम आलू को काटते हैं। ये हमने आलू ले लिए हैं और चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काटेंगे। आप चाहे तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से काट लीजिए। हमने सारे आलू को कट कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। ये हमने बाउल ले लिया है, इसके अंदर इसे ट्रांसफर कर दीजिए। बाउल में डालने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और इमली चेक करेंगे। ये इमली को भीगे हुए 5 मिनट हो चुके थे। अब इस तरह हाथ की सहायता से आप इसका पल्प निकाल लीजिए। ये देखिए इसका सारा पल्प निकल चुका है। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और इसे डाल देंगे इसके अंदर, और इसे चम्मच की सहायता से इसका एक्स्ट्रा पल्प इस तरह से प्रेस करके निकाल लीजिए। ये देखिए हमारा पल्प बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम दोबारा आलू का बाउल लेते हैं। ये हमने आलू का बाउल ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले आप नमक ऐड कीजिए, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, देगी मिर्च और साथ में इमली का पल्प और इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स अच्छे से हो चुका है और हमारी चाट तैयार है। आप इसके अंदर कटे प्याज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर क्रंचीनेस लाना चाहते हैं तो, पर अगर आप इसे इस तरह भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब लास्ट में हम इसके अंदर धनिया पत्ती डालकर इसे सर्व करेंगे। लास्ट में डालकर इसे एक मिक्स दे दीजिए और इसे सर्व कीजिए। ये देखिए चाट को मैंने एक बाउल में डाल लिया है और आप इसे सर्व करें एंड मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।